जीवन की ऊंचाइयों छूने के लिए हर कर्म में ब्रह्मज्ञान शामिल करें। उपरोक्त उद्गार संत निरंकारी मिशन के प्रमुख सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने कल शाम महाराष्ट्र के 52वें निरंकारी संत समागम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। 3 दिवसीय इस समागम में भाग लेने हेतु लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाराष्ट्र के कोने कोने एवं देश के अन्य हिस्सों से पधारे हैं। भारी संख्या में दूर देशों से भी श्रद्धालु आए हैं। रंगारंग सेवा दल रैली के साथ आज समागम के दूसरे दिन का आरंभ हुआ। इस सेवा दल रैली में हजारों की संख्या में सेवा दल के बहन भाई वर्दियों में सद्गुरु माताजी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए भाग लिए। ये सेवा दल के बहन भाई मिशन के समस्त कार्यक्रमों एवं देश एवं दूर देशों में होने वाली मिशन की समस्त गतिविधियों में भाग लेते हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम को महत्व को समझाते हुए व्यायाम की कला प्रस्तुत की। अनुशासन समर्पण एवं सौजन्य को दर्शाते हुए उन्होंने कुछ खेल एवं कई शारीरिक कर्तव्य भी प्रस्तुत किए। भक्तिभाव को साकार करने के लिए सेवा के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि उनके वरिष्ठ एवं विशेष रूप से सद्गुरु के आदेशों उपदेशों का पालन कर सके। सेवा दल रैली को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सद्गुरु माताजी ने कहा कि सेवा दल के बहन भाई अनुशासन एवं समर्पण के द्वारा न केवल समागमों में बल्कि जहां भी आदेश आ जाता है अपनी सेवाएं निभाते हैं। सद्गुरु माताजी ने कहा कि उन्हें आज भी वो दिन याद आ गया जब वे खुद सेवा दल में थी। उन्होंने सेवा दल के बहन भाई न केवल मिशन बल्कि मानव मात्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दात संगत जी, प्यार से कहना धन गार जी। आज इधर सेवा दल रैली के उपलक्ष में इधर आपके समीप हाजिर होके जहाँ खुशी तो मिल ही रही है, वहीं आप सबका जो ये लगन है, ये जज्बा है, ये देख के बहुत ही आनंद आया कि किस तरह, चाहे वो एक एक आइटम थी जिसमें इतनी डेडिकेशन, प्रैक्टिस और इतनी परफेक्शन के साथ सब करी गई, वहीं उनसे सीखने में के लिए जो भी उस आइटम में या उस प्रस्तुति में बहुत कुछ था जो हम अपने जीवन में अगर इम्प्लीमेंट करें तो निश्चय ही जीवन बहुत ही सवर जाएगी। जिस तरह आज रिपब्लिक डे है इंडिया का 26 जनवरी को, वहीं हमारे उस गीत में ही ये आता है कि वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं। तो वहीं जहां सिर्फ अब हमारे वो भाव सिर्फ वर्ड्स को लिटरली देखे तो हाँ, जहाँ हमारे अपने प्रति अपनी जिम्मेवारी, अपने परिवार की तरफ आगे बढ़ के, मोहल्ले की तरफ, घर की तरफ, देश के प्रति, संसार के प्रति, इवेंचुअली ये जो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आ रही है, जो ग्लोबल फैमिली की बात आ रही है, वहाँ हम पूरी अपनी जिम्मेवारी कैसे दे सकेंगे जब हम खुद उन जो इस मिशन की सिखलाई है, चाहे वो एक एक क्वालिटी कह ले, एक एक वो जो असूल कह ले, या फिर जिस तरह हमारी ये आइडियोलॉजी है, जब तक हम उन पे अपनी तरफ 100% अर्पण नहीं कर पाएंगे तब तक कहीं और अपनी जिम्मेवारी भी नहीं दे पाएंगे। तो निरंकार ये कृपा करे सब पे कि जिस तरह आप सब इतने उस डिसिप्लिन में, मर्यादा में, और इस तरह अलर्टनेस रखते हुए कि कहाँ कहाँ सेवा लगती है और क्या क्या उस सेवा में चाहिए होता है, और जिस तरह हुक्म होता है उसके अनुसार जहाँ आप सब करते हैं, निरंकार कृपा करे कि और ज़्यादा इजाफा उस भाव में भी हो कि टायरलेस होके एकदम ये सेवा भी अर्पण कर पाएँ। और आज इधर जहाँ नज़र पड़ रही है तो ये पंडाल में तो सब सेवा दल के भाई बहन, बाल सेवा दल, बाहर अब्रॉड के भी कुछ आए और दिखे यूनिफॉर्म्स में, वहीं साथ साथ ध्यान गया कि इस सेवा दल रैली के दौरान भी इस समय जो लंगर चल रहा होगा, कैंटीन चल रही होगी, ट्रैफिक या अन्य और कहीं पे भी जहां ड्यूटी कर रहा होगा बाकी सेवा दल, उनको तो इस रूप में बैठ कर यहां इस तरह ये सब प्रदर्शन का आनंद भी नहीं मिल पाता,
फिर भी उनके मन में बस एक ही ये शुक्राने का भाव कि ये जो ड्यूटी है ये ऐसे ही लगी रहे, ये जो वर्दी है ये ऐसे ही तन पे सजी रहे, क्योंकि ये जो वर्दी है इसकी गरिमा, इसकी इज्जत जो पहन के ही एक अपने आप में भी वो भाव आता है कि अब हमने वर्दी डाली है तो हमसे भी कोई छोटी से छोटी भी भूल ना हो जाए और किसी का गलती से भी दिल ना दुखा दें, वही भाव को आगे बढ़ाते हुए हमने जीवन में हर पल इस निरंकार के साथ जुड़ के आगे से आगे इस जीवन को व्यतीत करना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।